भारत में हम सभी का संबंध किसी न किसी छोटे शहर या कस्बे से जरूर होता है, और आपने इन छोटे शहरों की गलियों में घर की छतों और खिड़कियों पर कूदते फांदते बंदरों को जरूर देखा होगा। मथुरा और वृंदावन के बंदर तो अपनी झपटमारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा जंगलों में रहने वाले बंदर भी हमेशा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए या फिर अपने साथ के किसी दूसरे बंदर की सफाई करते हुए ही नजर आते हैं। तो क्या आपने कभी इन बंदरों की फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बंदरों को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। पूरी दुनिया में मंकीज की लगभग 264 डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, और इन मंकीज की दुनिया दो हिस्सों में बटी है, जिनमें एक है न्यू वर्ल्ड मंकीज जो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और दूसरे हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। इन दोनों वर्ल्ड के मंकीज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के पास प्रीहेंसाइल या ग्रिपिंग टेल्स नहीं होती, जो कि न्यू वर्ल्ड मंकीज में देखी जाती है। अगर बंदरों के खाने पीने की बात की जाए तो ज्यादातर बंदर नट्स, फ्रूट्स, सीड्स और कुछ खास तरह के फूलों को खाते हैं, लेकिन कुछ बंदर मांसाहारी भी होते हैं जो पक्षियों के अंडे, छोटे कीड़े और मकड़ियों को खाकर अपना जीवन गुजारते हैं। एक एडल्ट मंकी की उम्र 10 से 50 साल तक की हो सकती है। हम इंसानों की तरह हर मंकी का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। वैसे तो बंदर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे नो मंकीज लैंड कहा जाता है। हाउलर मंकी दुनिया में सबसे तेज आवाज निकालने वाला एनिमल माना जाता है। इनकी आवाज को 3 मील की दूरी तक सुना जा सकता है, और इनकी पूंछ भी इनकी बॉडी से 5 गुना अधिक लंबी होती है। द पिग्मी मार्मोसेट दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, जिसका साइज 4 to 4.5 inches यानी बस एक केले के बराबर होता है। तरह तरह की आवाजें निकालना बंदरों की खासियत होती है, और इनमें स्क्विरल मंकीज तो 25 से भी ज्यादा तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। सभी बंदर अपने फुर्तीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इनमें भी चीन में पाए जाने वाले गोल्डन स्नब नोज्ड मंकीज को दुनिया का फरियस्ट मंकीज माना जाता है। कहते हैं इस बंदर के हाव भाव से सीख लेकर चीन में मार्शल आर्ट का विकास हुआ, जो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। पाटास मंकीज दुनिया के सबसे तेज भागने वाले मंकी होते हैं। ये लगभग 35 मील प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हैं। स्पाइडर मंकीज भी बंदरों की एक यूनिक प्रजाति है। ये काफी सोशल होते हैं, और इनके एक ग्रुप में लगभग 36 मंकीज एक साथ रहते हैं। ये अपने खास प्रीहेंसाइल तेल से पेड़ों पर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर कूदी मारते हुए नजर आते हैं। एक बेबी मंकी को अडल्ट होने में 5 से 6 साल का समय लगता है। तब तक उसकी माँ यानी एक फीमेल मंकी दिलो जान से उसकी देखभाल करती है। एक रीहस मंकी अल्बर्ट को फर्स्ट लिविंग क्रीचर इन स्पेस का खिताब हासिल हुआ है। इसे 11 जून 1948 को न्यू मेक्सिको से स्पेस में भेजा गया। आइए अब हम बात करते हैं एक ऐसे नर रूप वानर की जो महाबलशाली है और जिनकी हम सब पूजा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। हनुमान जी का स्वरूप रीहस, लंगूर और मनुष्य की मिली जुली प्रजाति से बना है। कहते हैं जो व्यक्ति इनका स्मरण करता है उसे ये साहस, शक्ति और लंबी उम्र प्रदान करते हैं।